मम्मी ने कहा थोड़ी देर रुक, फिर बालक छोटा तो छोटा बोला मम्मी मम्मी एक साधु खा लूं। मम्मी नहीं बोली, महात्मा सुन रहे थे। थोड़ी देर हो गई, बालक हाथ पकड़ गया, मम्मी मम्मी एक साधु खा लूं। मम्मी को क्रोध में आई, बोली थोड़ी देर रुक नहीं सकता है, पहले तेरे पापा को आने दे, फिर एक साधु तेरे पापा खाएंगे, एक साधु हम खाएंगे, एक साधु तू खाना। परमात्मा बगल में बैठे हुए थे, उन्होंने जैसे इतना सुना, बोले देखो ये भी खाने की बात कर रही है। महात्मा ने धोती लंगोटा समेटा और जीना से जैसे नीचे उतरे, तब तक वो व्यक्ति बाजार से आ गया। उसने महात्मा को भागते हुए देखा, बोले अरे महात्मा कहाँ जा रहे हो, हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। बोले देखो ये भी खाने की बात कर रहा है। तो कभी कभी गलत सही व्यक्ति को हो जाती है। आज तो ब्राह्मण अजामिल के घर पे पहुंचे, कीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण भजमन नारायण नारायण हरि। सब महात्मा करताल बजाते हुए रास्ते में चले जा रहे हैं, महात्मा की पत्नी बैठी हुई थी गड़िका वैश्या, और जैसे ही संतों ने जाके आवाज लगाई, बेटी हम 21 महात्मा हैं, भोजन करेंगे, आप कुछ खाने की व्यवस्था करो हमारी। वैश्या बोली महाराज हमारा ऐसा कर्म है कि अपने हाथों से आपको पानी भी नहीं पिला सकती, आप गलत घर में आ गए। बोले बेटी अजामिल का भक्त का घर है। बोले ये पहले भक्त था, अब भक्त नहीं है, अब तो डाकू अजामिल है। मेरा पति कोई भक्त भक्त नहीं है, वो तो चोर है। संत समझ गए गलत रास्ते में आ गए, लेकिन कहते हैं कि दया बिन संत कसाई और दया करी तो आफत आई। महात्माओं ने सोचा कुछ भी हो जाए, अब तो इसको घर पे ही रुकना है। बोले बेटी कोई बात नहीं, हमें आप खिला नहीं सकती हो, पिला नहीं सकती हो, लेकिन सूखी सामग्री दे दो, हम खुद बना के खा लेंगे। अब तो रात्रि हुई, रात्रि के समय में वैश्या ने जो है महात्मा को सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए, वस्त्र दिए, उसके बाद में सूखी सामग्री दी, महात्माओं ने सुंदर भोजन बनाया, सबने मिलके सजाया और अंत में सबने ठाकुर जी का भोग लगाया, उसके बाद सबने प्रेम से पाया। लेकिन किसे पता था 4 बजे के सुबह अजामिल आया और सुंदर सा पोटला टांगे हुए है। जैसे महात्माओं ने देखा, ओहो बोले अजामिल आ गया। अजामिल ने जैसे ही संतों को देखा, क्रोध में बोले अरे संत तुम्हें पता नहीं है किसका घर है, तुम्हें किसने रुकने दिया यहाँ पे। इतना काई था कि तब से अंदर से वैश्या आ गई अजामिल की पत्नी, बोली खबरदार जो महात्मा को कुछ का मैंने रुकने दिया है इन्हें। और अजामिल पत्नी से बड़ा प्रेम करता था वैश्या से, बोला देवी आपने रुकने दिया है तो कोई बात नहीं,